find the differential coefficient of the function given as x y is equals to e to the power y. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो x y is equals to e to the power y है, तो इसके लिए differential coefficient find out करना है. तो basically x y is equals to e to the power y. तो differential coefficient means इसका differentiation करना है. Let अपन इसे differentiate करते हैं, differentiate with respect to x. तो left hand side में क्या आ जाएगा, chain rule लगेगा. ये आ जाएगा x into में y का differentiation आ जाएगा dy over dx plus में x का differentiation 1 और y as it is. This is equals to right hand side में आ जाएगा e की power y into में y का differentiation क्या आ जाएगा पे dy over dx. ठीक है, यहां पे अपन ने left hand side में क्या किया, chain rule लगा दिया, और right hand side में भी product rule लगाया left hand side में xy में, और इसमें अपन ने chain rule यूज कर लिया. ठीक है, इसके वैल्यू अपन देखें तो अपने को dy by dx फाइंड आउट करना है. तो ये आ जाएगा पे, ये आ जाएगा इधर का अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा, इस वैल्यू को अपन इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर y. इसके वैल्यू अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा यहां पे, ये लिखा हुआ e की पावर y, यहां पे आ जाएगा dy over dx, dy over dx e की पावर y dy over dx माइनस में x into में dy over dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे y. इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस में x dy by dx. तो यहां से अपन देखेंगे तो dy over dx वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा dy over dx, और इसे अपन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, और ये जाएगा y अपॉन में e की पावर y माइनस x, ये जाएगा e की पावर y माइनस में x. अब e की पावर y की वैल्यू अगर अपन देखें तो e की पावर y को अपन रिप्लेस कर सकते हैं जो रिलेशन 1 गिवन है उसके वैल्यू क्या गिवन है xy, तो ये जाएगा y अपॉन में e की पावर y को अपन xy से रिप्लेस कर सकते हैं माइनस में क्या आ जाएगा यहां पे x. तो ये यहां पे क्या आ जाएगा dy over dx. ठीक है, ये इस फॉर्म में इसके आंसर्स हो सकते हैं dy over dx, या तो y upon e की पावर y minus x, या y upon e की पावर y को अपन रिप्लेस कर देंगे गिवन रिलेशन से xy minus x. तो ये आ जाएगा यहां पे y upon में x, और ये आ जाएगा y minus 1. अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये यहां पे इसके लिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है,